मुरादाबाद के बिरारी क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर ग्राम प्रधान जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ही विकास कार्यों में ग्राम प्रधान ने जमकर धांधली की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानवीर, विकास के नाम पर धांधली, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही इस मामले पर, क्या कहेंगे आप? सर, जैसे कि आप जानते हैं, योगी सरकार द्वारा लाख बाधित की जाती है, लेकिन ये जमीनी हकीकतें देखने मिल रही है बिलारी ब्लॉक में, ये मुरादाबाद का बिलारी ब्लॉक है, यहाँ के जो ग्राम पंचायतें हैं, जो यहाँ अधिकारियों के लिए शिकायत तो करी जाती है, लेकिन ग्रामीणों को उनका न्याय नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने बराबर उसकी शिकायत करते चले जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर एक धप्पा बिल्कुल नहीं, जैसे कि योगी सरकार द्वारा बाधित है उनका एक पानी फिरा जा रहा है। इस तरीके से देखे तो दानवीर, कितना विकास हुआ गाँव का और कितना भ्रष्टाचार है इस गाँव का? सर देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ग्रामीणों को बताया है कि हमारे यहाँ शौचालय बनवाए गए थे, घटिया क्वालिटी की ईंट और मसाले जो लगवाए गए थे, उसमें जो लगवाए गए थे उस आधार पर उसके लगवाने के बावजूद भी एक शौचालय पे जो लाभार्थी पैसे लिए गए, 1,000 से 500 रुपए उनसे वसूले गए हैं, और एक विकास के नाम पर एक धप्पा होता चला जा रहा है। लगातार शिकायतें लोग अधिकारियों से कर रहे हैं, अधिकारी इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। सर दानवीर, विकास कार्यों के नाम पर ग्राम प्रधान सरकारी योजनाओं को भी पलीता लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि विकास के नाम पर बिल्कुल ही धप्पा लग रहा है, और बिल्कुल विकास कार्य के नाम पर नाली में चौक पड़ी है, बिल्कुल पानी का विकास नहीं है, रास्ते कच्चे हैं आज भी, तो करोड़ों रुपए जो सरकार दे रही है वो उनके नाम बिल्कुल ही उसी आधार पर बिल्कुल ही धप्पा हो रहा है, अगर बिल्कुल ही विकास नहीं कराया जा रहा आज भी। दानवीर, ग्राम प्रधान से अगर आपकी बातचीत हुई तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? सर, ग्राम प्रधान के सामने पब्लिक भी आई थी और हम लोग भी बैठे थे, ग्राम प्रधान के सामने ही आरोप लगा रहे थे कि हमसे आपने 2,000 रुपए लिए थे, 500 रुपए लिए थे, लेकिन सर ग्राम प्रधान ने कुछ भी जवाब ना दिया, उससे तो ये लगता है कि ग्राम प्रधान ने पैसे लिए हैं। दानवीर, क्या ग्रामीणों ने कभी ग्राम प्रधान की शिकायत नहीं की? अगर की है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? सर बताया गया 10 क्षेत्र का और तहसील में भी शिकायतें हुई, लेकिन 10 क्षेत्र के फोन सचिव के जो ग्राम विकास अधिकारी संजीव चौधरी है, उनके फोन ग्रामीणों के पास गए थे, हम जांच करने आ रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों को ग्राम प्रधान द्वारा वही रोक दिया गया, नहीं तो वो जांच करने गए और उस मामले को वही ब्लॉक तक ही सीमित रह दिया। शुक्रिया दानवीर, आपका हमसे जुड़ने, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के कौशाम्बी में नलकूप पर सो रहे बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता गुलाम वारिस ज्यादा जानकारी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। गुलाम, क्यों और कब की गई बुजुर्ग किसान की हत्या, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, ऐसा था कि कोई बुजुर्ग अपने खेत में रखवाली करता था और उसको अचानक कोई आके हमला कर दिया। हमला के बाद उसकी मौत हो गई। डीएम और एसपी दोनों मौके पर पहुंचे, पिपरी थाना पहुंचे, इसकी जानकारी की जांच में जुटी पुलिस। जी गुलाम, पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है इस पूरे मामले पर, इस पर क्या कहेंगे आप? सर यही है कि हर एक दिन आए ऐसे घटना होते रहते हैं, कल भी एक घटना शुरू हुआ, आज भी डीएम और एसपी लगे रहते हैं, जांच शुरू कर रहे हैं, इस टाइम स्ट्रिक्ट हो रहे हैं पुलिस। गुलाम, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? जांच चालू हो गई है सर, जांच के बाद होगी। गुलाम, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे। भिवंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फ्रिज के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसमान में आग की लपटें दिखने लगी। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीधे संवाददाता मुस्तकीम का रुख करते हैं। मुस्तकीम, कैसे लगी ये आग और कहां पर था ये गोदाम? भिवंडी शहर के ग्रामीण के इलाके में दापोरा स्थित ये है आग, जो फ्रिज कंपनी थी उसमें अचानक लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। मुस्तकीम, कितना नुकसान हुआ इस अग्निकांड में? देखिए, अभी इस चीज का जो है खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि काफी मशक्कत करनी पड़ी दमकल गाड़ी वालों लोगों को। काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया क्योंकि कुछ पानी का दिक्कत आ गया था सामने। मुस्तकीम, आग पर काबू पाने के लिए कितनी गाड़ियां मौके पर थी और कितनी देर में आग पर काबू पाया गया था? देखिए, 2 गाड़ियां मौके पर दमकल की मौजूद रही और वो जो है पूरी तरीके से कोशिश करते रहे लेकिन काबू नहीं पा सके क्योंकि उनको कुछ पानी का दिक्कत आ रहा था। शुक्रिया मुस्तकीम, आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं हरदोई में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पदम राग सिंह पप्पू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीधे संवाददाता प्रमोद सिंह का रुख करते हैं। प्रमोद, तीखे तेवर में नजर आए सपा नेता पदम राग, इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हत्या हुई थी, हत्या की गई थी राग मिश्रा की, उसने समाजवादी पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक सप्ते के अंदर अगर नया जो एसआई कस्बा इंचार्ज संजय सिंह थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह अगर लाइन हाजिर न किया गया तो हम एक सप्ते के अंदर थाना का घेराव करेंगे। प्रमोद, तीखे तेवर में नजर आए सपा नेता पदम राग, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, समाजवादी पार्टी में पूरा गुस्सा पूर्ण रूप से दिखाई गया और वहाँ पदम राग सिंह पम्मू ने सीधे सीधे स्थानीय नेताओं जनप्रतिनिधियों पर प्रमोद, विकास हत्याकांड में पुलिस और बीजेपी नेताओं पर भी राग ने सवाल या निशान लगाए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है यहाँ पर बिना जनप्रतिनिधियों के उन्होंने सीधे सीधे कहा है, यहाँ के थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह व विधायकों भाजपा नेताओं की कॉल डिटेल निकाल ली जाए, पूरा राज उनके फोन से मालूम हो जाएगा। शुक्रिया प्रमोद आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शाहजहांपुर जिले में नव दंपति को दबंगों ने गोली मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लक्ष्मीकांत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, कौन थे दबंग और क्यों नव दंपति को गोली मारी, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये दबंग उनके गांव के ही लोग थे और इसमें कुछ दिन पहले जो है इसकी जब लड़के की शादी हुई थी तो 20 तारीख को इसका तिलक था और 22 जून को इसकी शादी थी, तो 22 जून को जब ये कुछ सामान पहुंचाने जा रहा था तो वो दबंग जो गांव के ही दबंग लोग थे तो इसने कुछ बातचीत में उसको रोका और उसको लाठी डंडों से हमला किया, जिससे इस लड़के का उसमें सर फट गया था। इस मामले को लेकर इन्होंने तहरीर दी थी, जिससे नाराज होके उन्होंने ये हमला किया है। लक्ष्मीकांत, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? सर, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की आ रही है कि अगर जिस समय ये हमला किया गया था, लड़के 22 जून को लड़के जब बारात हुई थी तो हमला किया गया था, अगर उसी समय पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये हादसा ना होता। जो गोली लगने से उसकी पत्नी की मौत हुई है और वो इस समय जिला अस्पताल में भर्ती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। अगर कार्रवाई की जाती तो ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल नहीं होती। लक्ष्मीकांत, अगर आपकी पीड़ित पक्ष से बात हुई हो तो इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है? जी, हमारे जो मृतक मतलब लड़का जो घायल है उसके पिता से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा, सारा दोष उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया है कि जब हम थाने में तहरीर देने गए तो ना तो कोई जांच हुई, ना जो दबंग आरोपी जो थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनके हौसले बढ़े। उसके बाद में भी कल भी जब गोली मारी गई है तो उस समय में भी पुलिस ने उस हिसाब से दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं किया। शुक्रिया लक्ष्मीकांत आपका हमसे जुड़ने तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद में प्रेमी जोड़े ने खुद ही अपनी मौत की साजिश रची, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया और प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर दिया। अक्रम, ऐसा क्या हुआ जो प्रेमी जोड़े को अपनी मौत की ही साजिश रचनी पड़ी? जी, मैं बताना चाहूंगा, मामला 25 जुलाई का है। 25 जुलाई को उससे पहले ये प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ घर से फरार हो गए थे, जिसमें परिजनों ने 9 घंटे के अंदर इन्हें तलाश कर लिया गया था। उसके बाद घर पर लाया गया तो इन्हें 45 किया जा रहा था। जब 45 ज्यादा हो गए तो इसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी से फोन पर बात कर और बताया कि आप इस षड्यंत्र के तहत अपनी मौत दिखाकर किसी ऐसी जगह जाकर के आपको मारा गया है और इसका इल्जाम मेरे माता पिता पर आएगा और मेरे माता पिता जेल चले जाएंगे, फिर मैं आपके पास चले जाऊंगी। और पुलिस ने इस मामले का बड़े स्तर से खुलासा किया है और दोनों प्रेमी और प्रेमिका को दोनों को भी अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। अकरम, अगर आपकी लड़की के या लड़कों के परिजनों से बात हुई तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले पर? वो कुछ कहने से चूक रहे हैं। उन दोनों लड़की और लड़के के परिजनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया के कहने के मुताबिक पता चला है कि उन्होंने जानकारी की और बताया कि परिजनों के द्वारा बताया गया था कि हमारे लड़के को मार दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस ने जब तफ्तीश की जांच की तो उसमें पता चला कि लड़की और लड़के की साजिश के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका पुलिस ने कल खुलासा कर दिया गया और दोनों प्रेमी और प्रेमिका को जेल भेज दिया गया। शुक्रिया अकरम आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चोरों के हौसले इन दिनों बेहद बुलंद है। चोरों ने बीती रात 2 घरों को निशाना बनाते हुए हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। जावेद शेख ज्यादा जानकारी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। जावेद, किस समय चोरी हुई और चोर किस रास्ते से घर में घुसे? बाहर के रास्ते से घुसे हुए हैं, ताला तोड़ के चोरी हुई है। घर में कोई था नहीं, ताला तोड़ के
दो मकानों में चोरी की गई है। जावेद, पुलिस थाने से कितनी दूर पर चोरी हुई? क्या रात में पुलिस गश्त नहीं करती? रात में पुलिस गश्त किस टाइम करती है ये तो पता नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है, पुलिस मौके वारदात पे आई हुई थी, पुलिस का कहना है कि रात को हम चार गाड़ी यहाँ लगा के रखते हैं और रात को लमसम 2 बजे के आसपास में बता रहे लोग कि 2 बजे के आसपास में यहाँ पे चोरी हुई है और सुबह में मकान मालिक 7 बजे आए हुए हैं। का कहना है कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि यह पकड़ के उनके साथ कार्रवाई करें। जावेद, अगर आपकी पीड़ित परिवार से बात हुई तो इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना यह है कि हमने देखा तो नहीं है और किसी पे शंका भी जाहिर नहीं किया, पुलिस के हैंडओवर किया गया इस केस को कि पुलिस इसको देखे और हमको उचित न्याय दिलाए। शुक्रिया जावेद आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।